कहते हैं ना कि माँ की ममता और पिता की क्षमता का कोई जोड़ नहीं लगा सकता, लेकिन एक ऐसा वाक्या भी सामने आया है कि महाराष्ट्र की 13 साल की बॉक्सर स्वप्ना चौहान नेशनल सब जूनियर्स में खेले, इसके लिए उनकी माँ सीता चौहान ने कर्ज लिया और अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। बता दें कि स्वप्ना चौहान ने मंगलवार को नागपुर में राष्ट्रीय बॉक्सिंग सब जूनियर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्वप्ना के पिता किरण एक ड्राइवर हैं और मां मेहनत मजदूरी करती है। स्वप्ना की मां सीता चौहान ने बताया है कि घर में काफ़ी परेशानी थी और स्वप्ना को चैंपियनशिप के लिए नागपुर भेजना था। सीता ने कहा कि स्वप्ना के पापा और मेरे पास पैसे नहीं थे कि हम अपनी बेटी को नागपुर भेज सकें। अंत में मुझे 10,000 रुपये का कर्ज लेना पड़ा जिससे हम स्वप्ना को नेशनल्स के लिए भेज सके। सतारा में 2 कमरों के मकान में रह रही 13 साल की स्वप्ना के परिवार में 6 सदस्य हैं। वह काफ़ी प्रतिभावान हैं और उन्होंने सब जूनियर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी प्रतिद्वंदी को केवल 30 सेकेंड में हरा दिया। बता दें कि करियर के तौर पर बॉक्सिंग को चुनने के चलते भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के विरोध का भी उन्हें जमकर सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसे मौके पर उनका परिवार उनका साथ नहीं छोड़ा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।